स्ट्रीम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। गांधी पार्क थाने के इलाके के बोनेर चौराहे के पास की, जहां सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिसके कारण हादसे में बस में सवार करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों को देर रात अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने गंभीर हालत के चलते 3 घायलों को अलीगढ़ के हार सेंटर जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। 2 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार फरुखाबाद से प्राइवेट बस सवारी भरकर दिल्ली की ओर जा रही थी। जैसे ही बस बोनेर चौराहे के पास पहुंची, तभी किसी कारणवश बस रोड साइड खड़े ट्रक से टकराई और गंभीर हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और तत्काल इलाका पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मामूली रूप से घायल लोगों को पुलिस ने पास के निजी अस्पताल में उपचार कराया, जबकि 5 घायलों को जिला अस्पताल मलखान सिंह के लिए भेजा, जहां से 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। वहीं घायलों में अजहर, नसीमा, आफताब, दरक्षा, अवनीश कुमार घायल हुए, जिसमें अवनीश कुमार और दरक्षा का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। रोडवेज में नहीं था, मैं प्राइवेट गाड़ी में था। अच्छा, मैं फरुखाबाद से दिल्ली जा रहा था। जी, तो कैसे हुआ एक्शन? एक खड़ी हुई गाड़ी थी पहले से ही रोड पे, साइड में लगी हुई, उसी गाड़ी से टकरा गई हमारी गाड़ी की लेफ्ट साइड। कितने लोग घायल हुए? मुझे आगे अलहमद, मैं हॉस्पिटल में था। घटना कितने समय की है? जी, घटना कितने समय की रही होगी? घटना 2:30 बजे से 2:45 बजे के आसपास। हम फरुखाबाद से दिल्ली आ रहे थे। जी हाँ, दिल्ली आ रहे थे। अलीगढ़ तक आते आते वो बस वाले ने बस खड़े हुए ट्रक के अंदर घुसा दिया। तो मैं खड़े ट्रक में जा घुसी? हाँ, प्राइवेट बस। प्राइवेट बस। अच्छा, तो उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? देखो हुए हैं 10-12, लेकिन हर को सबको अपनी अपनी पड़ी थी, अपने अपने पेशेंट को देखना चाह रहे। यहाँ केवल 2 लोग आए? आप यहाँ रात 4 आए थे। एक और एक वो रात में जो आए हैं 4 लोग आए थे, 2 ले गए, उनके परिवार वाले ले गए।